हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आर्यन, गुड इवनिंग शिवजीत। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है आर्यन? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, चलो। लास्ट क्लास में जो हमने दिया था होमवर्क, आप लोग कर लिया था? अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, होमवर्क कर लिया था या नहीं? ओके, चलो। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? चलो मैं लिख देता हूं। देखो इसका क्या हो जाएगा भाई, तो 1 2 3 ये हो जाएगा। मींस के इसका नेम क्या हो जाएगा, तो 2-methyl है ना, ये CH3 है, तो 2-methyl और प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड है ना, तो मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसमें क्या हो जाएगा भाई, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 और ये 4 है ना। यहां भी एक सजेशन हो जाएगा मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, तो 3 3-methyl। एक मिनट, सॉरी मैंने गलत कर दिया, इधर से नंबरिंग नहीं होगा भाई, नंबरिंग इधर से होगा है ना, 1 2 3 4 ये होगा है ना, क्योंकि इधर से सेकंड पोजीशन पर आ रहा है ना मिथाइल ग्रुप, इधर से 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर आ रहा था, इसलिए हमने ऊपर से किया। ठीक है, तो ये हो गया 2-methyl। ठीक है, चलो इसको हटा दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो इसका नेम हो गया 2-methyl, 2-methyl 4-carbon है भाई, 4-carbon तो ब्यूटेन। यहाँ 2 एसिड ग्रुप हैं, इसलिए हम लोग ई को यहाँ से नहीं हटाएंगे है ना, 2-methyl-butane-dioic एसिड लिखेंगे है ना। तो 2-methyl-butane-dioic एसिड, ठीक है, चेक कर लेना आप, सब लोग चेक कर लेना भाई। चलो हो गया, थर्ड वाले में आते हैं। इसमें हो जाएगा 1 2 और 3, इधर क्लोरो है, तो ये हो जाएगा 2-chloro और 3-carbon का एसिड प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, 2-chloro-propanoic एसिड। चलो नेक्स्ट, इसमें 1 2 ये ब्रोमीन है जी, और ये क्लोरीन है ना, ये CH, ठीक है, ये CH, तो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा है ना। ठीक है, तो ब्रोमीन और क्लोरीन 2 सफिशिएंट हो गया, तो 2 पर ब्रोमो है जी, तो 2 पर ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो और ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया। इधर क्या हो जाएगा भाई, तो 1 2 3 और ये 4 क्या हो जाएगा, तो 3,3-dichloro और ब्यूटेनोइक एसिड। तो बहुत ही इजी और सिंपल था,
कुछ और हम लोग आयोपैक नेम करते हैं, एरोमेटिक एसिड का, ठीक है। हमने एलिफेटिक एसिड का बहुत सारे एग्जांपल देखा, अब हम लोग थोड़ा सा एरोमेटिक का देख लेते हैं और साइक्लिक जो है साइक्लोअल्केन का भी देख लेते हैं, है ना, मीन साइक्लिक फॉर्म। हो गया, चलो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड का देख लें। तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो इसको हम लोग कहेंगे बेंजोइक एसिड, है ना, इसको क्या कहेंगे, तो बेंजोइक एसिड, दिस इज द बेंजोइक एसिड, बोथ कॉमन एज वेल एज आयोपिक नेम, है ना, बेंजोइक एसिड, ठीक है, नोट कर लो पहले इसको। हो गया, चलो नेक्स्ट, अगर इस पर कोई सजेशन हो तो आप कैसे लिखोगे, तो पहले सजेशन का नाम लिखना है, जैसे ये सी ओ ओ एच ग्रुप हो गया भाई, इधर मिथाइल ग्रुप हो गया, है ना, या सी ओ ओ एच ग्रुप है, इधर आपका इथाइल ग्रुप है, सी टू एच फाइव इथाइल ग्रुप है, या आपका जो है ये क्लोरीन ग्रुप है, या आपका ब्रोमीन है, कुछ भी है, सी ओ ओ एच इधर क्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है, ठीक है, और भी COOH इधर इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर इथाइल ग्रुप है, इधर ब्रोमीन है, नो प्रॉब्लम, ME मिथाइल हो गया भाई, ME मिथाइल ग्रुप हो गया, और ET इथाइल ग्रुप हो गया, मिथाइल इथाइल, एब्रिविटेड फॉर्म याद रखना थोड़ा, क्योंकि नीट में जेई में एमई और ईटी का बहुत ज्यादा यूज करता है, तो ये चलो मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 और ये 6, चलो 5, 5 क्वेश्चन है, आप बताओ मुझे, तो आप बताओ आपने क्या लिखा, पहले आप नोट कर लो, फिर मुझे वन बाय वन बताना कि आपने क्या लिखा, हाँ भाई जयकरण, हो गया, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड नहीं भाई, ऑर्थो मेटा पैरा जो है ये ऑर्थो, देखो ऑर्थो मेटा पैरा ये आयोपैक नेम में नहीं आता है, ऑर्थो मेटा पैरा ये कॉमन नेम में आता है, ये ध्यान रखना, कभी भी ऑर्थो मेटा पैरा का यूज आप आयोपैक नेम में नहीं करना, ठीक है, बात समझ रहे हो,
आर्थो मेटा पैरा का कभी भी यूज आप आयुर्वेदिक नेम में मत करना, ये कॉमन नेम में आता है ना। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना। ठीक, आपको नंबरिंग करना है, आपको नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना है तो मैं एक बता देता हूं कहां से नंबरिंग स्टार्ट करना है। देख लो सब लोग एक बार देख लो, नंबरिंग आपको यहां से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6। अब यहां जो है आपको एक ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने यहां से क्यों नहीं स्टार्ट किया, 1 2 ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग, या तो रिंग का नंबरिंग कर सकते हैं, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, या तो रिंग का नंबरिंग करेंगे या तो ओपन चेन स्ट्रक्चर का नंबरिंग करेंगे। अब डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है उसका नंबरिंग करेंगे, तो हम लोग बेंजीन रिंग का नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ एक और है ग्रुप है ना। अगर ये ग्रुप नहीं होता तब तो हमें नंबरिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, है ना। देखो अगर ये ग्रुप नहीं होता तो नंबरिंग करने की कोई जरूरत हमें पड़ती क्या? नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो नंबरिंग हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एक सल्फेंट भी है, मिथाइल ग्रुप भी है, इसलिए हमें नंबरिंग करना पड़ रहा है। तो हम लोग को किसको नंबरिंग करना है? तो बेंजीन के कार्बन का नंबरिंग करना है। लेकिन नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है आपको? तो जिस कार्बन पर ये सिर्फ ग्रुप अटैच है, क्योंकि आप जानते हो कि सिनेटी टेबल में जो है सबसे सीनियर ग्रुप ये होता है, इसके इसके इससे एक और सीनियर होता है, वो होता है जो है सल्फोनिक एसिड, है ना, SO3H, ये इससे सीनियर होता है, इसके बाद यही होता है। तो सिनेटी टेबल में सेकेंड मोस्ट सीनियर ग्रुप होता है एसिड, ठीक है। इसलिए आपको इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 ये कर लिया आपने, ठीक है। अब हम लोग को लिखना है तो क्या लिखना है भाई? तो देखो पहले आप देख लो फिर लिखना आप। तो यहाँ सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तो आपको क्या लिखना है? 2 मिथाइल हो गया, आपने लिख लिया सॉल्यूशन का नेम 2 मिथाइल। अब तो कुछ है नहीं, अब क्या है? बेंजोइक एसिड है ना, तो अब क्या लिखना है भाई? तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, तो दिस इज द आयुपैक नेम ऑफ। अब कर लोगे, अब आप खुद करो, तो अब आप खुद करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। चलो आर्यन का आंसर आ गया 3-ethylbenzoic acid, ओके, 2-chlorobenzoic acid, वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी लोग क्या कर रहा है भाई? शिवजीत का आ गया, रिद्धम का आ गया, और लोग क्या कर रहा है? हाँ भाई, और लोग क्या कर रहा है? जयकरण क्या हो रहा है? रिया, एंजल, अनुसिका क्या हो रहा है भाई? अनुपम, आदित्य, निखिल, शीतल क्या हो रहा है? तो देखो भाई आप चेक करना, मैं सबका नेमिंग कर दे रहा हूं, आप चेक करते जाना, ठीक है। देखो सेकंड वाले में नंबरिंग तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है, 1 2 क्लॉकवाइज जाना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा? 3-ethyl benzoic acid, ठीक
ठीक है, थ्री इथाइल बेंजोइक एसिड हो गया। थ्री वाले में आते हैं, थ्री वाले का क्या हो जाएगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हो जाएगा टू क्लोरो, टू क्लोरो बेंजोइक एसिड, टू क्लोरो बेंजोइक एसिड, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर फोर में आते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या हो जाएगा, इधर ब्रोमीन है भाई और क्लोरीन है, पहले ब्रोमीन का नेम लिखेंगे उसके बाद क्लोरीन का, तो थ्री ब्रोमो टू क्लोरो और बेंजोइक एसिड हो जाएगा ना, ठीक है, थ्री ब्रोमो टू क्लोरो बेंजोइक एसिड, चलो इधर आते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, सफिशिएंट यहां कितने हैं भाई, थ्री सफिशिएंट हैं, मिथाइल इथाइल और ब्रोमो है, पहले ब्रोमो का नेम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सफिशिएंट का नेम लिखते हैं, पता है आपको थ्री ब्रोमो, उसके बाद किसको लिखेंगे, फिर इथाइल वाले को लिखेंगे फोर इथाइल, उसके बाद मिथाइल को लिखेंगे टू मिथाइल एंड देन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बोलना। चलो अब हम लोग लेते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन्स की बेंजीन रिंग पर हम लोग दो एसिड ग्रुप लेते हैं, अभी तो हमने वन लिया, अब हम लोग टू लेते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और उसके बाद कुछ मेंबर्स का हम लोग कॉमन नेम भी लिखेंगे, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, तो फर्स्ट COOH, सेकेंड COOH, और थर्ड COOH, ठीक है, ये आप बताओ इसका कॉमन नेम क्या है, मुझे बताना इसका कॉमन नेम, पहले मुझे कॉमन नेम बता दो सबका, इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम, उसके बाद आईपैक नेम देखेंगे, कॉमन नेम बताना बच्चे लोग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, टेल मी व्हाट इज देयर कॉमन नेम, भूल गए, सब भूल गए, नहीं मैंने कॉमन नेम पूछा अनुपम, नहीं 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 कॉमन नेम, हाँ वेरी गुड, अमरीश ने दे दिया आंसर, चलो वेरी गुड अमरीश, मैंने बताया भी आपको पॉलीमर्स में, याद करो पॉलीमर्स में मैंने बताया था ना कि अगर दोनों एसिड ग्रुप अगर एक दूसरे के एडजेसेंट पर हो यानी आर्थो पोजीशन पर हो तो उसको हम लोग थैलिक एसिड कहते हैं, थैलिक एसिड, भूल गए, इतना जल्दी भूल जाओगे तो कैसे होगा, थैलिक एसिड, और एक दूसरे के अपोजिट में हो यानी पैरा पोजीशन पर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन वाले को, पैरा पोजीशन को हम लोग बोलते हैं टेरेप्थैलिक एसिड, टेरेप्थैलिक एसिड, टेरिलिन का, टेरिलिन का मोनोमर्स क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस ट्रिप्थैलिक एसिड, यानी इथिलीन ग्लाइकोल और ट्रिप्थैलिक एसिड
इस दोनों का जब पोलिमराइजेशन होता है तो ट्रिलिन बनाता है, टेरिलिन, है ना, आप देख लेना। चलो इसका नेम हमने, हम लोगों ने नहीं लिखा था क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ मेटा पोजिशन पर है तो मेटा पोजिशन वाले को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो आइसोफेलिक एसिड, आइसोफेलिक एसिड, ठीक है, ये कॉमन नेम याद रखना। तो कॉमन नेम लिख लो आप, ब्रैकेट में लिख लो, उसके बाद हम लोग अब आयुपैक नेम लिखते हैं। हो गया, लिख लिया आपने, लिख लिए। देखो भाई, अब इसका आयुपैक नेम क्या लिखेंगे, यहां आयुपैक नेम में हम लोग बेंजोइक एसिड नहीं लिख सकते हैं, हम लोग आयुपैक नेम में बेंजोइक एसिड नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बेंजोइक एसिड में तो एक ही एसिड ग्रुप आता है ना, और यहाँ जो है दो एसिड ग्रुप हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ नंबरिंग करेंगे, देखो अगर हम लोग इधर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का तो होता ही है बेंजीन, है ना, बट नंबरिंग हमने इसने किया क्योंकि यहाँ दो एसिड ग्रुप हैं, अब दो हैं तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो बेंजोइक एसिड नहीं लिख सकते हम लोग, यहाँ क्या लिखे हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, याद करो उधर क्या मैंने बताया था आपको, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हो जाएगा भाई, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो जाएगा बेंजीन 1, 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर 3 एसिड ग्रुप होगा रिंग पर, बेंजीन रिंग से अगर 3 एसिड ग्रुप अटैच होगा तो वहां आप क्या लिखोगे, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे, है ना, नंबरिंग देके आपको वहां ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, ठीक। इधर इधर क्या हो जाएगा भाई, तो इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो नंबरिंग, आप एंटी क्लॉकवाइज भी करोगे, देख लो आप एंटी क्लॉकवाइज भी करेगा तो 1, 2, 3, 4 पर ही आएगा, इसलिए आप क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों कर सकते हो इधर, नो प्रॉब्लम, इधर नहीं कर सकते, इधर क्लॉकवाइज में ही करना पड़ेगा क्योंकि 1, 2, 3 आप इधर से करोगे, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 पर आ जाएगा दूसरा एसिड ग्रुप, है ना, लेकिन यहाँ आप क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों जो है कर सकते हो। तो इसका नेम क्या हो जाएगा भाई, तो इसका नेम हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन 1, 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हो गया, ओके। अब देखो अगर 3 एसिड ग्रुप दे दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जैसे ये COOH ग्रुप 1, 2 और 1 किधर दे दे, है ना, नो प्रॉब्लम, आपको नंबरिंग करना है पहले, बस आपको यह ध्यान रखना है कि नंबरिंग आपको किधर से करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ नंबरिंग हम लोग क्लॉकवाइज करेंगे 1, 2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, 1, 2, 3, 4 पर आएगा दूसरा एसिड ग्रुप, इधर से सेकेंड पोजिशन पर आ रहा है, इसलिए क्लॉकवाइज करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गया, बस हो गया अपना काम, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, तो बेंजीन, बेंजीन 1, 2, 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड,
इसका कॉमन नेम नहीं है भाई कुछ, इसका कॉमन नेम नहीं है, जिसका कॉमन नेम है उसका मैं लिख देता हूं, ठीक है, इसका कॉमन नेम नहीं है। चलो एक और, ये आपको है ना, यू हैव टू राइट। चलो ये लिखो तो आप, क्या होगा इसका आईपैक नेम, ओके ओके वेरी गुड। आदित्य का भी आंसर आ गया, वेरी गुड, चलो ठीक है भाई। चलो ये आई होप सबने लिख लिया होगा, ठीक है, और किसी को है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो हम लोग नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 या यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहां से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, आप देख लो, हर तरह से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग किसी भी कार्बन से, किसी भी जो है बेंजीन के जो है किसी भी कार्बन से स्टार्ट करेंगे, किसी भी कार्बन से मीन्स जिस कार्बन से अटैच है एसिड ग्रुप है ना, तो जो है आपका नेम सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, 1/3 और 5th पोजीशन पर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई, तो बेंजीन, बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो अब यहां से हम लोग निकलते हैं, और अब अगर जो है एक साथ बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो तो आप कैसे नेमिंग करोगे, है ना, मल्टी फंक्शनल ग्रुप हो तो, CH3CHOH ऐसा करता हूं, इधर C double bond O H, ये है ना, तो देयर आर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद दिस चेन, तो बहुत सारे जो है ग्रुप अटैच्ड है इस चेन से फंक्शनल ग्रुप, देखो एक तो मिथाइल हो गया, एक सस्पेंशन क्लोरीन है, अमाइनो ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इतने सारे ग्रुप्स हैं, और इन सारे ग्रुप्स में जो है सबसे जो सीनियर है भाई, सबसे जो सीनियर है, सीनियरिटी ग्रुप तो आप पढ़े ही होंगे, सबसे सीनियर ग्रुप जो है वो COH है, है ना, सबसे सीनियर जो है इसमें COH ग्रुप है, इसका मीनिंग है बाकी जितने भी हैं है ना, रेस्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप्स बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो एसिड ग्रुप को छोड़कर सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करने जा रहा है, और उसका नेमिंग हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही लिखेंगे, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग में हम लोग क्या करते हैं भाई, तो सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग में हम लोग जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, है ना, मीन सजेशन का जो नेम लिखते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, कौन, अब इसमें, अब ये सारे के सारे सजेशन हो गया, अब इसमें कौन सीनियर है कौन जूनियर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी है ना सिर्फ हमें एक देखना होता है ना, बाकी जितने भी हैं है ना, अब इसका जो नेमिंग होगा, इसका नेमिंग हम लोग सिनेटिक के बेसिस पर नहीं करेंगे, इसका नेमिंग हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं गलती, कि हम लोग को लगता है कि भाई COH ग्रुप सबसे सीनियर है, उसके बाद जो है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसके बाद कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप के बाद जो है अल्कोहलिक ग्रुप होता है, उसके बाद जो है अमाइनो ग्रुप होता है, और सबसे नीचे होता है अल्काइल ग्रुप,
तो हम लोग क्या करते हैं ना कि फंक्शनल ग्रुप के यानी सिनेप्टिक के बेसिस पर नेमिंग कर देते हैं। नहीं, नेमिंग आपको सिनेप्टिक के बेसिस पर नहीं करना है, नेमिंग आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करना है, ठीक है? क्योंकि हमने एक को ही सीनियर लिया है ना, हमारे घर में एक गार्जियन होता है, बस एक गार्जियन है, बाकी जो है सारे मेंबर्स एक समान है, ठीक है, गार्जियन के लिए। तो ठीक, उसी तरह से यहां भी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, नंबरिंग तो हम लोग यहां से करेंगे ही, नो डाउट, क्योंकि ये दिस इज द मोस्ट सीनियर ग्रुप है ना। हाँ, नंबरिंग जो है, नंबरिंग हम लोग सीनेटिक के बेसिस पर करते हैं, नंबरिंग हम लोग सीनेटिक के बेसिस पर करते हैं, लेकिन नेमिंग हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, है ना। ये पहले भी मैंने कई बार डिस्कस किया है क्लास में कि नंबरिंग सीनेटिक के बेसिस पर बट नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहां जो है, यहां तो सीनेटिक है ना, यहाँ तो कोई झंझट ही नहीं हुई, कोई यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये एसिड ग्रुप सबसे सीनियर है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया, और ये सेवन हो गया, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ कुछ चीजें और आपको ध्यान रखना है। ये तो क्लोरो हो गया, आप जानते हो, इसको हम लोग क्लोरो कहते हैं, इसको हम लोग मिथाइल कहते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है, मिथाइल क्लोरो, ये भी आप जानते हो कि दिस इज अमाइनो ग्रुप, ठीक है। ये क्या है भाई, ये क्या है? तो ये जो है कीटोन है, और कीटोन में, कीटोन का जो आईपैक नेम जो हम लोग लिखते हैं, तो उसमें हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, तो वन का यूज करते हैं, हम लोग सफिक्स वन का यूज करते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहां वन नहीं लगाएंगे, वन हम लोग कहां यूज करते हैं, अगर ये सबसे सीनियर होता, मान लेते हैं अगर ये होता CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, तो यहाँ कीटो ग्रुप जो है, क्योंकि सिंगल है, और सिंगल है तो सबसे सीनियर है ना, ये तो मान लेते हैं कोई और ग्रुप है ना, ऐसा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH CL CH, इधर OH ग्रुप है और इधर CH3 है, मान लेते हैं ये चैन रहता। तो इस चैन में देखो सबसे सीनियर कौन है भाई, सबसे सीनियर जो है यहाँ कीटो ग्रुप है। तो यहाँ जो हम लोग नेमिंग करेंगे, यहाँ हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ हम लोग नेमिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इसका नेम लिखेंगे क्लोरो, इसका नेम लिखेंगे हाइड्रोक्सी, और इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे वन का यूज करेंगे, ठीक है, सफिक्स में, ठीक है। जैसे मैं इसका नेम लिख रहा हूँ, देखना आप, ऐसे आपने जो है एल्डिहाइड कीटोन पढ़ चुका है तो आपको पता होगा, फिर भी तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, थ्री क्लोरो और फोर, यहाँ फोर और नहीं लिखना है ना, यहाँ फोर हाइड्रोक्सी लिखना है आपको, फोर हाइड्रोक्सी, ठीक है, थ्री क्लोरो फोर हाइड्रोक्सी, और फाइव कार्बन है, तो फाइव कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। यहां से ई को हटा के हम लोग क्या यूज करेंगे, तो किस पोजीशन पर, टू पर है, तो पेंटेन टू वन, ये यूज करेंगे। तो यहां देखो, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमने वन का यूज किया, यहां हम लोग वन का यूज नहीं करना है, यहां हमने क्या यूज करना है भाई, तो यहां हमें कीटो का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि सफिशियंट है, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है ये, सफिशियंट है, इसलिए कीटो। ये अल्कोहलिक ग्रुप है, लेकिन ऑल का यहाँ यूज नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ इसका क्या यूज करेंगे, तो यहाँ हम लोग इसका यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, ठीक है। ऑल हम लोग तब यूज करेंगे जब ये सीनियर रहेगा है ना अपने चेन में। और ये देखो, ये इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, आयुपैक नेम में हम लोग एल्डिहाइड में अल का यूज करते हैं एज सफिक्स, लेकिन यहाँ अल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग यूज करेंगे फॉर्माइल, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप देखो, सफिशियंट होने के बाद जो है उसका नेम चेंज हो जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप रहता तो ऑल रहता, ठीक है, बता रहा हूँ ऑल रहता, लेकिन यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया। कीटो ग्रुप, ये अगर मेन फंक्शनल ग्रुप होता तो वन होता, लेकिन यहाँ क्या हो गया, कीटो हो गया। और कीटो को हम लोग और ऑक्सो भी लिख सकते हो आप, ऑक्सो कीटो या ऑक्सो है ना, दोनों में कोई भी आप यूज कर सकते हो, कीटो ऑक्सो में, ठीक है। तो कीटो या ऑक्सो, और ये हो गया आपका फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप, ठीक। आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो भाई।
हो गया। चलो अब इसका हम लोग नेमिंग करते हैं, अब इसका हम लोग नेमिंग करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन का नेम लिखेंगे। सॉल्यूशन का नेम लिखेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, अमाइनो को। ए से स्टार्ट हो रहा है, किस पोजीशन पर है, वही फोर पर है, फोर अमाइनो। अमाइनो के बाद कौन सा आएगा बताना, अमाइनो के बाद कौन आएगा भाई, अमाइनो के बाद कौन आएगा, हाँ बोलो तो हुकम सत्र। अमाइनो ग्रुप क्लोरो, ओके वेरी गुड। उसके बाद क्लोरो आएगा, थ्री क्लोरो। उसके बाद कौन आएगा भाई, उसके बाद आएगा हाइड्रोक्सी, है ना। ये क्लोरो आ गया, अमाइनो आ गया, उसके बाद हाइड्रोक्सी आ जाएगा। किस पर है, सिक्स पर, सिक्स हाइड्रोक्सी, ठीक है। हाइड्रोक्सी के बाद कौन सा आ जाएगा भाई, हाइड्रोक्सी के बाद कीटो आ जाएगा ना, है ना, कीटो। इथाइल ग्रुप तो नहीं है भाई, ये तो मिथाइल है, इथाइल नहीं है, मिथाइल है। तो उसके बाद कीटो आ जाएगा, है ना, फाइव कीटो, फाइव कीटो। उसके बाद कौन आ जाएगा भाई, नहीं नहीं फॉर्माइल तो हमने छोड़ ही दिया, हाँ हाँ फॉर्माइल तो हमने छोड़ ही दिया भाई, सॉरी। थ्री क्लोरो के बाद सेवन फॉर्माइल, सेवन फॉर्माइल, सेवन फॉर्माइल। उसके बाद फॉर्माइल के बाद उसके बाद हाइड्रोक्सी आ जाएगा, सिक्स हाइड्रोक्सी, सिक्स हाइड्रोक्सी। उसके बाद हाइड्रोक्सी के बाद कौन सा आ जाएगा भाई, तो अब आ जाएगा फाइव कीटो, फाइव कीटो। और कीटो के बाद आ जाएगा मिथाइल, टू मिथाइल, बस इतना ही। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। थोड़ा सा आप चेक कर लो, देखो सही है ना, क्या ठीक है, आप चेक कर लो एक बार। हाँ भाई am I right? ओके, तो अमाइनो ए सी एफ देन एच, उसके बाद के, उसके बाद एम, ठीक है। चलो ये हो गया। अब सेवन कार्बन है, सेवन कार्बन को क्या कहोगे आप भाई, तो हेप्टेन कहोगे। यहाँ क्या हो जाएगा, हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड ये हो जाएगा। तो आपने यहाँ एक और चीज सीख लिया, ऐसे आपको पता होगा है ना, कि जब ये एल्डिहाइड ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप या जो है कीटोन ग्रुप, है ना, ये सब अगर सफिशियंट हो तो इसका नेम हम लोग क्या लिखते हैं, है ना, ये सब याद रखना। चलो अब आप नेमिंग करो, तो चलो आप इसका नेम कर दो, मिस नेमिंग करो आप इसका। आपको दो मिनट मिल रहा है इसके लिए।
हो गया। हुआ कि नहीं? हो गया। ओके, देखो आप चेक करना, ठीक है, आप चेक करना। ये देखो एसिड ग्रुप है भाई, ये एसिड ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ओके, तो नंबरिंग आपको इधर से स्टार्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। चलो तो फिर नेमिंग करते हैं। सबसे पहले क्या है, तो ये अमाइनो ग्रुप किस पर है? 4 पर है, 4 अमाइनो। उसके बाद ब्रोमीन है, 3 ब्रोमो। फिर क्या है भाई, 2 क्लोरो। क्लोरो के बाद कौन सा हो जाएगा? फॉर्माइल, 7 फॉर्माइल। उसके बाद कौन सा हो जाएगा भाई, 7 फॉर्माइल के बाद हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 5 कीटो, और टोटल कितने हो गया, 7 कार्बन, तो हेप्टेनोइक एसिड। देख लो, चेक कर लो, ठीक है, चेक करके बताओ मुझे। ठीक है, ओके। आईपैक के बाद नेक्स्ट टॉपिक प्रिपरेशन होगा भाई, इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। फॉर नीट एंड जेई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। चलो आगे बढ़े, तो चलो बाउंड लाइन वाले भी आप देख लिए, आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और पहले भी हम लोग बाउंड लाइन वाला बहुत सारा क्वेश्चंस किए हैं, तो आगे जो है, चलो अब आपको जो है, मैं आपको नेमिंग मैं लिख कर रहा हूं, मिस नेम मैं लिख दे रहा हूं, आईपैक नेम आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है भाई। फर्स्ट इधर लिखा, 3-methyl ब्यूटेनोइक एसिड, चलो नहीं हो रहा है, इधर लिखता हूं भाई, 1-3-methyl ब्यूटेनोइक एसिड, सेकेंड 2-क्लोरो,
थ्री फ्लोरो टू कॉमा थ्री डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर थ्री, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। फोर, ब्यूटेन वन कोमा टू कोमा थ्री कोमा फोर टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। और फाइव, बेंजीन वन थ्री फोर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या आप खुद कर लोगे कि मुझे बताना पड़ेगा? एक आप बताना मुझे, मैं आपको एक बता दूं या आप खुद कर लोगे? आर्यन, ओके ओके ट्राई करो फिर। चलो फाइव क्वेश्चंस हैं, यू आर गेटिंग फाइव मिनट्स फॉर, आपको पांच मिनट में दे रहा हूं भाई, एक मिनट मैं हट जा रहा हूं जरा सा। ओके चलो नोट करो।
ओके अमरीश, ओके ठीक है, बाकी हो गया भाई फोर, ओके सबकी हो गई। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप चेक करना है ना, आप चेक करना, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो फर्स्ट वाला, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको पेरेंटल नेम देखना है। पेरेंटल नेम से आपको ये पता चलेगा कितने कार्बन का चेन है। तो ब्यूटेन है भाई फोर कार्बन, 1 2 3 4, ये फोर कार्बन हो गया। क्योंकि ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक कार्बन के साथ आप OH ग्रुप को ऐड कर दो, है ना। और आप नंबरिंग कर दो, अब नंबरिंग करोगे इधर से ही करना है आपको, 1 2 3 4। तो ब्यूटेनोइक एसिड, ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। अब यहाँ एक हमारा सफिशिएंट भी है, 3-methyl, यानी 3 पोजिशन पर आप मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो, ये हो गया है ना, 3-methyl ब्यूटेनोइक एसिड। बाकी आपको क्या करना है, दो हाइड्रोजन को रखना है, कितना हाइड्रोजन कहाँ प्लेस करना है, ये सब तो बच्चे की काम है भाई, है ना, ये सब तो आपको पता ही है। आप वहां जो है जितना हाइड्रोजन जो है ऐड होगा, आप प्रॉपर नंबर में आप ऐड कर दो वहां हाइड्रोजन। तो ये हो गया हम 3-methyl ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, देख लो। किसी को कोई डाउट है तो बोलना तुरंत। तो मैं हाइड्रोजन को प्लेस नहीं करूंगा, ठीक है, मैं चेन सिर्फ ड्रॉ कर देता हूं, हाइड्रोजन आप प्लेस कर लेना। चलो नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में क्या है भाई, तो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड है, तो 5 कार्बन का चेन, 1 2 3 4, और ये 5 कार्बन का चेन हो गया। क्योंकि ओइक एसिड है, तो ओइक एसिड है तो आपको OHCOH ग्रुप भी रखना है, और ये एसिड ग्रुप हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर ही रहेगा, या तो लेफ्ट में रखो या तो राइट में। आप कहोगे सर आपने इधर ही क्यों रखा, इधर इधर भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना, नो प्रॉब्लम, आप इधर रखो, लेफ्ट में रखो, राइट में रखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गया, नंबरिंग कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 हो गया। अब आप देखो कि सफिशिएंट हैं, और कितने सफिशिएंट हैं, तो बहुत सारे सफिशिएंट हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, 2 क्लोरो, यानी सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन है, थर्ड पोजीशन पर क्या है भाई, तो फ्लोरीन है, 2-3-dimethyl, 2-3-dimethyl है ना, 2-3 पर डाइमिथाइल भी है, तो आप मिथाइल भी रख दो इधर, इसको मैं हटा दे रहा हूं इधर से, 2 पर मिथाइल है और 3 पर मिथाइल है, ठीक है, 1 2 3 देख लो आप। बाकी आपको हाइड्रोजन रख देना है, यहाँ कितना हाइड्रोजन किधर प्लेस करना है आप जानते हो, इसको कर लेना। ठीक है, चलो थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाले में क्या है, तो ब्यूटेन डायओइक एसिड, पहले तो ब्यूटेन है, पहले ब्यूटेन हम लोग 4 कार्बन का चेन बनाते हैं, ये हो गया ब्यूटेन। अब डायओइक एसिड है, डायओइक एसिड है मीनिंग कि इसका मींस कि दो एसिड ग्रुप है, एक तो राइट में होगा भाई, दूसरा लेफ्ट में होगा, मींस एक लेफ्ट में होगा दूसरा राइट होगा, है ना, होगा तो टर्मिनल पोजिशन पर ही। तो ये हो गया ब्यूटेन डायओइक एसिड, ठीक, नंबरिंग लेफ्ट राइट जिधर से करना है आप करो, नो प्रॉब्लम। बीच में अगर बीच में हम लोग रखते हैं तो उसका नेम चेंज हो जाएगा बिल्कुल भाई, बीच में अगर हम लोग, अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो इसका नेम ही चेंज हो जाएगा, तब इसका नेम ओइक एसिड नहीं होगा, तब इसका नेम कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो, देखना थोड़ा सा, अगर हमने ऐसा किया तो हम लोग देखो क्या नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, ये वाला छूट जाएगा ना, और पिछले क्लास में मैंने क्या कहा था, लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट रूल, या तो सबको नंबरिंग करेंगे तो सबको छोड़ेंगे,
यहाँ इसका नंबरिंग नहीं हो पा रहा है, तो हमको इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, नंबरिंग किसका होगा, इस कार्बन का होगा और इस कार्बन का होगा, यानी ये सॉरी ये वन हो जाएगा और ये टू हो जाएगा। ये वन इसलिए इस पर दो एसिड ग्रुप हो गया, और ये टू इसलिए इस पर एक एसिड ग्रुप है, बात समझे ना। तो इसका नेम क्या हो जाएगा भाई, दो कार्बन पहले आप टू कार्बन का नेम लिखोगे, क्या लिखोगे, इथेन लिखोगे, लिखोगे ना इथेन, और उसके बाद क्या लिखोगे, वन पर दो एसिड ग्रुप है तो वन वन, और टू पर एक है तो वन 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 टू, कितना हो गया, टोटल थ्री हो गया, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये हो जाएगा, याद है ना। पिछले क्लास में मैंने बताया था ना कि अगर जो है एसिड ग्रुप के कार्बन का अगर नंबरिंग नहीं हो पाता है ना, हाँ पहले पहले सुन लो मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा था पिछले क्लास में कि अगर एसिड ग्रुप के कार्बन का अगर नंबरिंग नहीं हो पाता है तो वहां फिर हम लोग ओइक एसिड का यूज नहीं करते, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। अगर तो ये हो गया, अब मैं देखता हूं इसमें तीन ही है ना, अगर दो वाले में एक बीच में बीच में नहीं डाल सकते भाई, देखो बीच में किसने पूछा ये सवाल, बीच में अनुपम बीच में नहीं डाल सकते, बीच में डालेंगे तो वो एसिड ग्रुप नहीं रहेगा, वो कीटो ग्रुप हो जाएगा। देखो आप किसी कार्बन की चेन के, आप किसी कार्बन चेन के बीच में अगर आप डाल दोगे सी डबल बॉन्ड हो और ये, तो देखो ये एसिड ग्रुप रहेगा क्या, ये तो कीटो ग्रुप बन जाएगा भाई, ये कीटो ग्रुप बन जाएगा, जब भी आप रखोगे टर्मिनल पोजिशन पर रखोगे है ना, या इस तरह से रखोगे है ना, बीच वाले कार्बन से आप नहीं कर सकते हो ना, कीटो ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ठीक है अनुपम, क्लियर। चलो हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर फोर। फोर में देखो पहले तो ब्यूटेन है, पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ब्यूटेन है तो चार कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग वन टू थ्री फोर, ऐसे मैंने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि यहां देखो ओइक एसिड नहीं है, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड है, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डेफिनेटली यहाँ एसिड ग्रुप के कार्बन का नंबरिंग नहीं हुआ होगा, है ना। अगर एसिड ग्रुप के कार्बन का अगर नंबरिंग होता तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखते, ठीक है। अब देखो ब्यूटेन है वन टू थ्री फोर, नंबरिंग कर देते हैं वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी फोर है, एक तो वन पोजिशन पर वही एसिड ग्रुप, दूसरा सेकेंड पोजिशन पर है, तीसरा थर्ड पोजीशन पर है, और जो फोर्थ और लास्ट जो है वो फोर्थ पोजीशन पर है, देख लो ये, ठीक है आप चेक कर लो, आप चेक कर लो। आप कहोगे सर यहां से नंबरिंग कर सकते हैं, अगर आप नंबरिंग करोगे इधर से तो देख लो मेरे प्यारे बच्चे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आप देखो दो ही एसिड ग्रुप का आपने नंबरिंग कर पाया, बाकी दो छूट गया, ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है आपका है ना, आपने ये दोनों छोड़ दिया है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए या तो आपको है ना सबको नंबरिंग करना है, या तो फिर सबको छोड़ना है, नहीं आपके घर में अगर मान लेते आपके घर में जो है ना चार बच्चे हैं, फोर बच्चे है ना, चार बच्चे हैं आपके घर में है ना, और आपने डेयरी मिल्क का टॉफी लाया, चॉकलेट लाया, तो आप सबको दो या तो सबको छोड़ो, ऐसा नहीं कर सकते दो बच्चे को आपने दे दिया भाई, दो बच्चे को छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो बात वही हो गई, चलो फिफ्थ और लास्ट वाला आते हैं हम लोग, लास्ट वाले में क्या है, तो लास्ट वाले तो बहुत इजी है भाई, लास्ट वाले में क्या है, तो बेंजीन है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, चलो ऐसे करता हूं, बेंजीन हो गया वन थ्री फोर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबरिंग कर दो, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ जो है टॉप पोजीशन से ही नंबरिंग स्टार्ट करना है, कहीं से करो, क्योंकि ऑल कार्बन आर इक्विवेलेंट इन बेंजीन, बेंजीन में सारे के सारे कार्बन जो है बिल्कुल जो है आइडेंटिकल होता है, इक्विवेलेंट होता है, आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमने यहां से स्टार्ट किया, वन पर है, वन पर एक एसिड ग्रुप है, दूसरा किस पर है, थ्री पर है, थ्री पर रखा,
उसके बाद फिर किस पर आए, फोर पर आए, ये फोर पर हो गया है ना, ये हो गया ठीक है। अच्छा आपको अगर मैं ऊपर से इस तरह बता दूं है ना, ये यहां से मैं नंबरिंग कर दूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन पर सी ओ एच ग्रुप, फिर किस पर है भाई, वन थ्री पर है, थ्री पर सी ओ एच ग्रुप, और फिर किस पर है, फोर पर है। तो आप बताओ मुझे क्या ये दोनों जो हैं, ये दोनों सेम है या डिफरेंट हैं, ये दोनों सेम है या डिफरेंट हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल आइडेंटिकल है ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसलिए आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी रिंग में अगर एक भी सजेशंट आ जाता है तब आप कहीं से नंबरिंग नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे अगर हम लोग ये ले आते हैं, एक यहां हम लोग कोई डाल देते हैं मिथाइल ग्रुप, अब हम लोग नंबरिंग कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों, अब सारे कार्बन जो है रिंग का सारे कार्बन इक्विवेलेंट नहीं रहा है ना, अब इक्विवेलेंट नहीं रहा ठीक है। क्यों इक्विवेलेंट नहीं रहा, आप इसके रिएक्टिविटी के बेसिस पर देखो, रिएक्टिविटी के बेसिस पर ये क्या होता है, मिथाइल ग्रुप डोनर ग्रुप होता है, और डोनर ग्रुप किसको डायरेक्ट करता है, तो डोनर ग्रुप जो है आर्थो और पोजिशन पैरा, सॉरी आर्थो और पैरा पोजिशन को डायरेक्ट करता है, यानी जो न्यू इनकमिंग ग्रुप जो आएगा वो या तो आर्थो पोजिशन पर अटैच होगा या तो पैरा पोजिशन पर अटैच होगा, है ना। तो इसलिए अब जो है आइडेंटिकल नहीं रहा सारा पोजिशन यानी इक्विवेलेंट नहीं रहा, लेकिन बेंजीन रिंग पर अगर कोई ग्रुप नहीं है तो है ना ऑल कार्बन आर इक्विवेलेंट ठीक। ओके चलो तो ये आईपैक नेम जो है ना, यहां से अब हम लोग निकलते हैं। आईपैक नेम ऐसा है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला है ना, नया नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाओ, नेमिंग करते जाओ, कभी खत्म नहीं होने जा रहा ठीक है। तो हमें खत्म करना पड़ता है, हमें फिनिश करना पड़ता है इसको ठीक है। बट मैंने हर टाइप का आपको बता दिया है ना, बॉन्ड लाइन में भी है ना, या आपको जो है ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर है ना, तो मैंने हर टाइप का बता दिया, एरोमेटिक का भी बता दिया, एलिफेटिक का भी बता दिया ठीक है। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना किसी बुक से ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके चलो ओके बाय बाय, मिलते हैं हम लोग फिर।